हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जूली। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी एक टीचर है जो क्लास 9, 10th, 11th या 12th या फिर किसी जनरल कंपटीशन के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको स्पेसिमेन कॉपी मिले ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके बच्चों को पढ़ाने में, तो आप कैसे उस वाल के मदद से स्पेसिमेन कॉपी मंगवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस, मैं आपको प्रूफ पूरा देने वाला हूँ कि कैसे आप स्पेसिमेन कॉपी मंगवा सकते हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहता है, शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे एक वेबसाइट का लिंक दिया होगा, वहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है जो ओसवाल का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका नाम इंटर करना है, उसके बाद आपका ईमेल, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपको यहाँ पर डिटेल मांगा जा रहा है इंटर कर देना है। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कंट्री जो होगा ना, ये कंट्री है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए आप अपना देश सिलेक्ट करेंगे यानी कि हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा इंडिया, GHI यहाँ पे इंडिया देखिए। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, अपना सिटी सिलेक्ट करना है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जहाँ पे मंगवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी स्कूल या कोचिंग का, जो भी आपका स्कूल या कोचिंग का नाम होगा, लोकेशन होगा, ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है, जिस बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनका कौन सा बोर्ड है, तो मैं यहाँ पे CBSE बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करना है, आप जिस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइंस सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, जैसे देखिए फिर से दूसरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं CBSE में, क्लास मान लीजिए 9th का, और फिर से यहाँ पे देखिए क्लास 9th का, और सब्जेक्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ साइंस। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो स्पेसिमेन कॉपी के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ। तो ओसवाल आपको एक मौका दे रहा है कि आप अगर दो स्पेसिमेन कॉपी भी मंगवा सकते हैं एक साथ। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे अपना टीचर का जो आईडी कार्ड होगा वो यहाँ पे अपलोड करिए, जो भी आप जहाँ पे भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो भी स्कूल है या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका आप आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करिए। यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपना आईडी प्रूफ का इमेज, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ का इमेज सेलेक्ट कर अपलोड यहाँ पे करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा सबमिट नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेता है ये वेबसाइट, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि इस वेबसाइट पे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का टाइम लगता है। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें स्पष्ट आ जाएगा आपको मैसेज कि आपने सबमिट कर दिया। चलिए सबमिट करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर दिए होंगे ना, ये वाला जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर में दिए होंगे और जो ईमेल आईडी दिए होंगे उसी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा उस वाल पब्लिकेशन के थ्रू। कैसे, मैं आपको इसका प्रूफ अभी दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ। देखिए जो भी नंबर आप दिए होंगे आपको व्हाट्सएप पर कुछ ऐसा मैसेज आएगा उस नंबर पर। यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, फ्री CBSE क्लास 1 to 12 स्पेसिमेन कॉपी फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपको दिया हुआ है लगातार, ये लोग एक ही मैसेज को लगातार भेजते रहते हैं तो उसमें थोड़ा ये चीज़ है। देखिए आपको एक ही मैसेज यहाँ पे लगातार आते रहेगा, सब बेकार का चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेसिमेन को फिर रजिस्टर्ड फॉर एकेडमी किया 2024-25 विल बी क्या क्या दिया हुआ। देखिए लास्ट में आपको जब भी स्पेसिमेन कॉपी यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ आते रहेगा, लगातार आपको मैसेज आते रहेगा, वो लोग कम्युनिकेट आपसे करते रहेंगे, कम्युनिकेट क्या वन वे कम्युनिकेशन, वो लोग उधर से मैसेज भेजते रहेंगे। देखिए वहाँ पे आपको ईमेल पर कैसे मैसेज आएगा, देखिए ईमेल के थ्रू भी वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, जनरली ज़्यादातर वो लोग ईमेल के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है डियर सर मैम ग्रीटिंग्स, जो भी कुछ लिखा हुआ था वो लोग यहाँ पे स्पष्ट लिखते हैं कि आपको क्या होगा, यहाँ पे व्हाट्सअप नोटिफिकेशन जाएगा, यहाँ पे व्हाट्सअप नोटिफिकेशन जाएगा और उसी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद बहुत दिनों तक इन लोगों का जो भी था उस समय ये लोग सर्विस नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जैसे अभी अगस्त का मंथ चल रहा है
तो अगस्त के मंथ में इन लोगों का रिस्पेसमेंट कॉपी यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है, डियर सर और मैम, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, प्लीज़ चेक योर ऑर्डर एट प्रोसिप। और यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट का लिंक मेंशन किया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ टीम ओसवाल बुक्स, जो भी है वो लोग यहाँ पे पूरा स्पष्ट दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैसेज भी आया है कि कैसे यहाँ से डिलीवरी आएगा। देखिए ये मेरे पास मैसेज आया है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि CBSE बोर्ड जो भी मैंने ऑर्डर किया हुआ था, यहाँ पे उन्होंने OTP दिया हुआ है जो कि मुझे शेयर करना है। ये OTP मुझे शेयर करना है उस पर्सन के साथ जो डिलीवरी करने आएगा, जो डिलीवरी बॉय होगा उसके साथ। और यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक ऐप का लिंक है, आपको क्या करना है इस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। ऐप एकदम सेफ़ है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करना है। देखिए पहले से मेरे पास डाउनलोड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये वाला मेरे पास ऐप पहले से डाउनलोड है, अगर आपके फ़ोन में नहीं होगा तो आप इसको डाउनलोड करिएगा, उसके बाद आप इसको ओपन करिएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए यहाँ पे ओपन होने के बाद, जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको लॉगिन करना होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड नहीं कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको आपका उसी नंबर से आपको लॉगिन करना है जिस नंबर से आपने उस वाल पे दिया हुआ है। आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए दिख जाएगा फॉर मी में, ये आपको पूरा का पूरा इसका डिटेल्स दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिए हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है आउट फॉर डिलीवरी, स्पष्ट लिखा हुआ है आउट फॉर डिलीवरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउट फॉर डिलीवरी, आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। एक बार जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाया जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरा OTP लगातार लिख रहा है कि ये मुझे शेयर करना है जो भी बंदा आएगा डिलीवरी करने उसके साथ। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अराइविंग टुडे जो भी है स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज आएगा। आपको यहाँ पे अगर आप पहले आपका ऑर्डर पहुँच चुका है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो एकदम उसी आदमी के पास कॉल जाएगा जो डिलीवरी आपका लेके आने वाला है, और वहाँ से आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका डिलीवरी कब आने वाला है। मेरा डिलीवरी अभी आया नहीं है, जस्ट थोड़ी देर में पहुँचने वाला है। मैंने बात किया है तो उन्होंने बोला है कि लगभग शाम को 4-5 बजे पहुँच जाएगा, अभी 5 बजने वाला है। तो हो सकता है आधे एक घंटे में मेरे पास डिलीवरी पहुँच जाए, और जब मैं पहुँचेगा तो मैं उसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।